सियालकोट न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाहिद फारूक। नाजरीन, मैं सिर्फ मौजूद हूँ मियाँ वाली बंगला पुल के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर आज सुबह एक नौजवान लड़की ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके पीछे दो तीन लड़कों ने भी छलांग लगाई, जिससे वो उसको पकड़ने में नाकाम रहे। मेन वजह उसकी यही बताई जा रही है कि लड़की तकरीबन 8 साल से उसको खुराक की नाली लगी हुई थी, बीमारी की वजह से उसने खुदकुशी की है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि 1122 की टीम उसको ढूंढने में मसरूफ़ है। तो आइए जानते हैं एक ऐनी शाहिद से कि क्या मामला हुआ, किस तरह उसने छलांग लाई, उसको पकड़ने की भी कोशिश की गई और लड़की बच्ची मतलब पहले बैठी रही बाहर। अच्छा, तो कुछ जने कई जने खाते रही, बाद मतलब अपने आप नारे छाल मार दी। किसी बचाने की कोशिश नहीं की? बड़े तीन चार बचे, बड़े बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर निकल गया तो नहीं बचे। कितनी की उम्र सी बच्ची की? बच्ची की उम्र को 17-18 साल है। अच्छा, इन्ने को साल दी बुरखा पाया ही उन्हें। अच्छा, पहले किनारे से बैठी रही? पहले किनारे से बैठी रहा, तो फिर उन्हें मदद के बच्चे बैठे बड़े छाल मार दी। तो किन्ने बच्चे छाल मारी उन्होंने पिछले बचाने वास्ते? बच्चे को 3-4 बच्चे बड़े हैं, तो मतलब कि अपना वेंदिया काबू एक आई और निकल गई, फिर डिग पी थले उस चुट गई। मेरी इनफॉर्मेशन के मुताबिक ये बिल्कुल नुक्कर से किनारे से लैके गया ना बच्ची। हाँ जी हाँ जी, फिर उन्होंने को छुट गई। हाँ जी बिल्कुल, इस गल फिर वो छुट गई मुंडे को, मतलब कि अपना पता नहीं लगा डुमी आंदा थले आई है, तो उत्थे थले निकल गई फिर उस वे, फिर बाद उन्होंने काबू आई। वजह दस देने किस वजह तो उन्हें छाल मारी? कोई पता नहीं, उन्होंने कोई पता नहीं दसिया, किसी ने पता नहीं कोई। तो रेस्क्यू वाले कितनी देर हो गई है बना डे इतने लभन की कोशिश कर रहे? इन्होंने तो 1 घंटा को चलिया, 1 घंटा हो गया ना उन्होंने आए ने, 1 घंटा हो गया पूरा ना। जी शुक्रिया। बंदे ने छाल मारी बनाई